नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 52वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में ये उसकी लगातार दूसरी और कुल 6ठी जीत है। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम ने प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। वहीं आरसीबी की टीम मुश्किलों में फंस गई है। अब उसे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत हासिल करनी ही होगी। हैदराबाद की टीम इस जीत के साथ टॉप 4 में पहुंच गई है। उसके 13 मैचों में 12 अंक हो गए हैं। आरसीबी ने जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य दिया था। हैदराबाद ने 14.1 ओवर में 5 विकेट पर इसे हासिल कर लिया। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे उन 4 हीरोज के बारे में जिनकी बदौलत हैदराबाद ने आईपीएल 2020 के पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जगह बना ली है। मैच के पहले हीरो रहे तेज गेंदबाज संदीप शर्मा। जी हां, संदीप शर्मा ने इस मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 20 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले। संदीप शर्मा ने देवदत्त पडिक्कल और कप्तान विराट कोहली का विकेट निकालकर आरसीबी को 2 तगड़े झटके दिए थे, जिससे बेंगलुरु की टीम कभी उबर ही नहीं पाई और 20 ओवर में सिर्फ 120 रन बना पाई। मैच के दूसरे हीरो रहे ऑलराउंडर जेसन होल्डर। जी हां, जेसन होल्डर ने पहले गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया और उसके बाद बल्लेबाजी में भी कुछ अच्छे हाथ दिखाए। जेसन होल्डर ने गेंदबाजी में 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं जब बल्लेबाजी का मौका आया तो 10 गेंदों पर 26 रन बनाए। इस दौरान 1 चौका और 3 छक्के भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 260 का था। मैच के तीसरे हीरो रहे रिद्धिमान साहा। जी हां, रिद्धिमान साहा ने ओपनिंग के लिए आए डेविड वार्नर के साथ शुरुआत की। हालांकि डेविड वार्नर का विकेट गिर जाने के बाद रिद्धिमान साहा ने पहले मनीष पांडे और उसके बाद केन विलियमसन के साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप बनाई। रिद्धिमान साहा ने 32 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का लगाया। मैच के चौथे और अंतिम हीरो रहे स्पिन गेंदबाज राशिद खान। जी हां, राशिद खान ने एक बार फिर इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने सिर्फ 24 रन खर्च करते हुए 1 महत्वपूर्ण विकेट भी निकाला। राशिद खान एक बार फिर इस मुकाबले में इसलिए भी बेहद निर्णायक साबित हुए क्योंकि वो लगातार डॉट गेंदे फेंक रहे थे, जिससे आरसीबी के बल्लेबाजों पर खासा दबाव पड़ता चला गया और वो खुलकर कभी भी खेल ही नहीं पाए। तो ये थे सनराइजर्स हैदराबाद के वो 4 हीरो जिनकी बदौलत उन्होंने आरसीबी के ऊपर इतनी बड़ी जीत हासिल की और टीम वापस से पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर पहुंच गई है। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 13 मैचों में 7 जीत और 6 हार के बाद 14 अंक है। टीम अब भी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। टीम अपना आखिरी लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। दिल्ली कैपिटल्स अब भी 13 मैचों में 7 जीत और 6 हार के बाद 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अब 4थे स्थान पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के 13 मैचों में 6 जीत और 7 हार के बाद अब 12 पॉइंट्स हैं। टीम का नेट रन रेट बेहद शानदार है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।